जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथी भाइयों, एमपी पुलिस का जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार फिजिकल चल रहा है, करे सरकार फिजिकल में, जैसे कि हमारे अभ्यर्थी लगातार निरंतर प्रेस पेश कर रहे हैं। आज था हमारा सैटरडे का हिल वर्कआउट, तो उसके लिए आए हम पगारा डैम। ये देखो चारों तरफ हम तुम्हें दिखा देते हैं कि यहाँ पर कितनी ऊँची हिल है, और पास में ही हमारा ये आसपास में पानी भरा हुआ है। और अभी इनका जो है फर्स्ट कम्प्लीट हुआ है, जैसे कि इनके तीन शेड्यूल होंगे उसमें से अभी इनका फर्स्ट कम्प्लीट हुआ है वर्कआउट का पहला पोर्शन। उसके बाद में इनसे देखते हैं कि इनकी हेल्थ क्या है, और इनसे जानेंगे धीरे धीरे के वर्कआउट के बाद में इनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। अभी भी जैसे कि तुम लोगों का 1 से 1.5 महीने का टाइम बचा है, जो भाई अभी घर से नहीं आए हैं उनसे मेरी यही सलाह है कि अपने जो नज़दीक हैं जोरा में, करा सरकार फिजिकल मुरैना में, यहाँ अपने जोरा में चलती है मुरैना में, तो जिस भाई के अभी टाइम है आ सकता है, एकेडमी ज्वाइन कर सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर निशुल्क सेवा दे रहे हैं, किसी से कोई चार्ज नहीं है, और निस्वार्थ भाव से तुम्हारी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो भाई जैसे कि जिनका अभी टाइमिंग किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, वो आके पहले ट्रायल ले, अपना मूल्यांकन करे और आगे अपनी गलतियों को सुधारे, तो आके धीरे धीरे अपने एक एक से भाइयों से मिलते हैं कि जैसे जैसे उन्होंने क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। कैसी चल रही है तैयारी? सही से चल रही ना? धीरे धीरे बताएंगे किस किस चीज़ का फिजिकल है तुम्हारा। SSCD। ये भाई अभी हमारे साथ में आता है, जैसे कि अभी इनके लेग में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, तो धीरे धीरे ला रहे हैं इन्हें, और अभी धीरे धीरे स्टार्ट होगा जैसे GD में आएगा। अभी एक अभी हमारे साथ में GD वाला आया, और आए हैं बाकी वो लॉन्ग रनिंग के लिए आए थे, वो लौट के चले गए। अभी पहला उसमें जो आए हैं MP पुलिस के, अभी आधे बच्चे नहीं आए जो आए हैं बाकी हमारे साथ में। धीरे धीरे भाई से पूछ रखा था, ये हमारे साथ में SSCD वाला था, और बाकी अब ये आए हमारे एक ये भैया है जिन्होंने आर्मी की भर्ती मार रखी है, और अभी ये इनका पेपर हुआ है, और साथ में अभी ये आएंगे जैसे आर्मी वाला ग्रुप आएगा, अभी धीरे धीरे बच्चे आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये भैया हमारे साथ में भर्ती मार चुके हैं, तो इनको एक्सपीरियंस है। इनके साथ में जैसे अभी MP पुलिस वालों को इनसे बहुत आगे के लिए इन्हें पीछे से सपोर्ट करते हैं, इनमें स्ट्रेंथ नहीं रहती तो पीछे डंडे से लेके चलना, साथ में मैं कुछ सपोर्ट करता हूँ, तो ऐसे एक दूसरे से भाइयों का मिलकर सहयोग करके अपना फिजिकल चलता रहता है। आप तुम्हें मिलवाते हैं कैटेगरी वाइज किसके कितने नंबर है, कितने नंबर का फिजिकल बन रहा है, अभी किस किस ने ट्रायल नहीं दिया है, मूल्यांकन नहीं किया, सबको तुमसे मिलवाते हैं। नंबर 86 नंबर इसके एग्जाम में है, और फिजिकल कितने का है, अभी फर्स्ट ट्रायल नहीं दिया। देखो भाई अभी ऐसे आ रहे हैं तो समझ के रखना, अभी इनसे कोई कॉम्पिटिशन नहीं, मुश्किल से 40 नंबर है, 90 नंबर हो जाएंगे अगर नॉर्मल लाइसेंस के बाद भी, क्या कर लेगा। सेकेंड एक बार फिर कैटेगरी कौन सी थी? OBC। नाम? अमन त्यागी। नंबर? 81। कैटेगरी? EWS। फिजिकल? फिजिकल मेरा 65 से 70 के बीच। 65 से 70 के टोटल मेरा कितना हो रहा है? 148 के आसपास। 5 से 7 नंबर की नीड है तुम्हें अगर आ गया। ये कौशल? कौशल। और कैटेगरी? OBC। नंबर? 82। और तुम्हारे फिजिकल में? 76। टोटल कितने हो गए ग्रांड टोटल? 158। ये भाई देखो, ये एक सीट रिजर्व होगी इधर, ठीक है। बस इनसे है कि अपना अब इसे मैनेज करके चलना है, और अपना इंजरी से बचना है बस लास्ट तक, यही है। अब आ रही हैं गर्मियाँ, वर्कआउट में तुमसे ज़्यादा होता नहीं है, जैसे कि अगर तुम चाहोगे कमेंट में हमें बता देना, तो तुम्हारे लिए सेपरेट डाइट का वीडियो बना देंगे। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेगी गर्मियों में नीड रहती है कि तुम्हें जैसे कि तुम्हारा वर्कआउट रहेगा उसके बाद में तुमसे हैवी डाइट नहीं खाई जाएगी, और जो भी तुम्हें वर्कआउट लेना है तुम्हें लिक्विड फॉर्म में एनर्जी लेनी है। गर्मियों में तुमसे जैसे कम बादाम हुए, काजू हुए, दूध हुआ, ये ज़्यादा नहीं पिया जाएगा, तो जैसे ही तुम चाहोगे तो उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे सेपरेट कि गर्मियों में किस तरीके की डाइट लेना है और क्या लेना है, वो बताते चलना। आगे चलो और मिलवाते हैं। नाम क्या है? परीक्षित। नंबर कितने हैं? नंबर 78। कैटेगरी? SC। फिजिकल में नंबर? 72। ये भाई देखिए इधर सीट रिजर्व हो गई, तो तुमसे यही वो है कि अगर अभी तुम नज़दीक हो, पास हो, तो आगे कर सकते हो। कुछ भाई हमारे ही हैं जो साथ में से आते थे, अभी आना बंद हो गई, उन्हें क्या लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में अभी टाइम है, लास्ट में आके हम कर लेंगे, तो भैया ये गलत फहमी निकाल देना कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होती आसान। 1 महीने में 15 दिन में तो जो तुम्हारा होता है फिनिशिंग आती है और रिकवरी होती है 1 महीने में, जो तुम्हारा बन रहा होता है, तो ये भैया दिमाग से निकाल देना गलत फहमी क्या है। आगे तुम्हारा कल क्या चाहते हैं? अभी तो हमारा टाइम हो चुका है, तो धीरे धीरे एक सेपरेट कैटेगरी वाइज नंबर और फिजिकल के मार्क्स पूरा एक वीडियो बना के तुम्हें डाल देंगे, जिससे तुम्हारे अपने नंबर मूल्यांकन करने में तुम्हें सहूलियत होगी कि क्या कट ऑफ जा सकता है, तो उसके बारे में कर लेंगे। अभी हमारा आधा वर्कआउट हुआ है, तो बॉडी अभी हीटिंग थी तो ठंडी हो जाएगी, आगे फिर हम कंटिन्यू करते हैं, और आगे तुम्हें कल एक सेपरेट वीडियो देंगे जिसपे तुम्हें बताएंगे कि कितना स्कोर है और कितना इसका फिजिकल का मार्क है, तो बने रहिए। और किस टॉपिक पर तुम वीडियो चाहते हो उसमें कमेंट कर दें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।